नाज़रीन, हम ट्रक के अंदर मौजूद हैं, ट्रक पे हमने सफ़र भी किया है। ट्रक के जो ड्राइवर हैं उनसे बात करते हैं, कहाँ से हैं वो, किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, तो उन्हीं से जानते हैं सारी चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। के नाम है भाईदा जहीर अब्बास साहब। कितों दे हो? कनवाल। खाने वाल। इतनी दूर कितना अर्सा होया सफ़र ते निकले? कल निकले। तो हूँ कितने दाड़े बाद घर वैसो? बस आज घर चले। अच्छा, बाद असी वेख्या कि ट्रक ड्राइवर जिमें कराची तो इस्लामाबाद चले गए, एक एक महीना घरों दूर रहे, घर की याद नहीं आती, बच्चों की याद नहीं आती, या कोई मसला हो जाए, फोतगी हो जाए, खुशी गमी हो जाए, वह किमें करते हो? भाई याद क्यों नहीं आती, खुशी गमी हो जाए गेड़ी उधर खड़ी करके आ जाते हैं बस पे। कितना अर्सा हो गया तुम ट्रक चला? हम इस काम में आया है 2008 में। 2008 में ये शौक था आपका या मजबूरी थी या क्या वजह क्या थी? पहले था शौक, अब बन गई है मजबूरी। मतलब अब आप और कोई काम नहीं कर सकते ट्रक ड्राइविंग का? अब कोई काम नहीं कर सकते। अच्छा, तो ट्रक हमने देखा, आपका ट्रक बहुत खूबसूरत है, अंदर से बड़ी ज़बरदस्त, इसमें पेंटिंग शेंटिंग की हुई है, ये कितने अरसे में ट्रक तैयार होते हैं? ये तो 2-3 महीने लग जाते हैं। ये सारी लाइटिंग शाइटिंग करते, स्ट्रिकिंग करते सब? और ये कितना आपका खर्चा कितना आता है ये सारा कुछ बनाने पर? ये अभी खर्चा आ जाता है मुकम्मल गाड़ी तैयार करते 11-12 लाख रुपया। तो ये कौन सा मॉडल है जिसमें हम बैठे हैं? ये 85 मॉडल है। 85 मॉडल? तो ये 85 मॉडल मतलब काफ़ी पुराना मॉडल हो गया। इस पर कितने टन आप वज़न लाते हैं? इसमें हम 12-13 टन डालते हैं। और इसकी स्पीड क्या होती है? स्पीड 50-60। 50-60 मतलब आपने कहीं जाना हो तो आप रिंग 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 के थक नहीं जाते, नींद नहीं आती? थकते हैं, नींद भी आती है, बस क्या करें, जब नींद आ जाए हम खड़ी करके सो जाते हैं। वो ट्रक के अंदर ही सोते हैं? अंदर ही सोते हैं। मतलब आप थकते नहीं है ट्रक के अंदर? एक आपने इतनी छोटी सी जगह में आपने ड्राइविंग भी करनी, आपने जाना भी, फिर आपने सोना भी इसी में, किस तरह से गुजारा करते हैं? ये मजबूरी है। और पहले तो आप कह रहे थे कि मेरा शौक है, शौक अब मजबूरी बन गया, तो मजबूरी में अब बंदे का दिल नहीं करता कि इस काम को छोड़ दें या कुछ इस तरह का काम करें जो सुकून वाला काम हो? अभी मजबूरी बन गया भाई, और कोई काम हो नहीं सकता, इसलिए ये ड्राइवरी कर सकते हैं। अच्छा, 2008 से कर रहे हैं, बीच में कुछ ऐसे मौके आए कि आपने कहा कि मैं छोड़ के कोई और काम कर लूँ? बड़ी दफ़ा, लेकिन मजबूरी बन गई, अभी और काम होता नहीं है। अच्छा, और कोई काम होता नहीं है? शादीशुदा हैं आप? हाँ, शादीशुदा। बच्चों की याद तो फिर जाहिर ही बात आती होगी? बहुत याद आती है, अपने बच्चों की किससे नहीं याद आती। अच्छा, तो ड्राइविंग करते हुए कभी ऊँग, नींद या कुछ इस तरह के मसले मसाइल? नींद तो आती है ड्राइविंग करते हुए, फिर खड़ी कर देते। तो अच्छी अर्निंग अच्छी कर लेते हैं? जी। अच्छा, मैंने अगर ये ट्रक बनवाना हो तो मुझे कहाँ से ट्रक लेना पड़ेगा, कहाँ से मुझे इसकी डेकोरेशन करवाना पड़ेगी, ड्राइविंग कैसे सीखना पड़ेगी? ये तो पहले ट्रक के साथ अपना कुछ थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, फिर ड्राइविंग सीखी जाएगी। और ट्रक मैंने लेना हो, ख़रीदना हो, वो कहाँ से लूँगा मैं? वो तो जिधर मार्केट में चले जो मिल जाएगा। और इसको तैयार कैसे करवाऊँगा? तैयार भी मार्केट में जाना पड़ेगा, जिधर जिधर गाड़ियाँ बनती हैं, तैयार होती हैं, उधर जाना पड़ेगा। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि बीमारी भी इंसान के साथ होती है कि आप लंबे रूट पे निकले हों, आप बीमार हो जाएं, फिर किस तरह से करते हैं? हेल्पर कोई साथ होता है, वो भी ड्राइवर होता है या सिर्फ हेल्पर होता है? ना, दो ड्राइवर होते हैं। तो वो इसी छोटे से केबन में रहते हैं? इसी केबन में रहते हैं। तो चारपाई भी नीचे आपने बांधी होती है, वही चारपाई निकाल के सड़क पे सो जाएं, सर्दियां हैं या ज़्यादा गर्मियां हैं, उस टाइम आप क्या करते हैं? चारपाई वाला तो कोई निज़ाम नहीं है, गर्मियों में नीचे गाड़ी के कोई चटाई मटाई डाल के सो जाते हैं, गर्मियों में आप रात को ऊपर केबन पर चढ़ कर सो जाते हैं। तो ये तो सख्त लोहा है, तो आप थक नहीं जाते, कमर नहीं दुखती? थकते हैं भाई, क्यों नहीं थकते, हम भी इंसान हैं। और ट्रकों के होटल का खाना खा के आप अवजार मेरे ख्याल में हो जाते हैं? हाँ जी। तो फिर उसका क्या हल है, कितने अर्से बाद घर जाते हैं या बेगम को कहते हैं बेगम मनु ताज़ी रोटी बना दे? हम हफ्ते में एक बार घर चले जाते। मतलब उधर का सामान हो तो उधर अनलोडिंग ऑफलोडिंग सारा करना हुआ और वो सारा कुछ उसी तरह करते हैं? जी।
तो नाज़रीन अभी इनसे और ज़रा जानते हैं कि पीछे अताउल्लाह इसा खेलवी की तस्वीरें लगी होती हैं या किसी भी एक इनके फनकार की फेवरेट जो इनका अदाकार या फनकार उनकी तस्वीर लगी होती है उसके पीछे क्या लॉजिक है। अच्छा तुसी पीछे कोई तस्वीर बनवाई हुई अताउल्लाह दी जिवें होगी तो अताउल्लाह दे गाने बड़े सुनते हो इहदी की वजह ने? बस अपना अपना शौक होता है, हर कोई अपने हिसाब से चलता है। किसी को अताउल्लाह का शौक है, किसी को तालिब हुसैन का दर्द का शौक है, किसी को मंसूर मलंगी का शौक है। बस यही गाने माने लगा के अपना टाइम पास करता है। तो ये गाने तो बड़े इश्किया से गाने हैं, किसी की याद सताती है या वैसे ही टाइम गुजारने के लिए सुनते हैं? बस कुछ लोग होते हैं जिनको इश्क सताते हैं तो कुछ तो वैसे लोग होते हैं जो अपना टाइम पास करते हैं। आपको इश्क सताता है या वाकई आपको किसी से मोहब्बत है या आप टाइम गुजारने के लिए सारा सुनते हैं? हम तो अपना टाइम गुजारने के लिए सुनते हैं। आप लग नहीं रहा कि आप टाइम गुजारने के लिए, क्योंकि इंसान जब गाने सुनता है तो इंसान कहीं और खो जाता है। बस हम तो अपने इसी टाइम गुजारने के लिए, सफ़र गुजारने के लिए कभी लगा लेते हैं, तालिब हुसैन दर सुनते हैं। और कौन कौन से गाने आपको पसंद हैं? बस जी यही तालिब हुसैन दर के गाने सुनते हैं हम, दौड़े माये। तो नाज़रीन हमें बड़ा अच्छा लगा ट्रक ड्राइवर उनसे बात करके। हम अक्सर देखते थे रोड पे ट्रक जो हैं वो चल रहे होते थे, उनकी ज़िंदगी की कहानी क्या है, वो किस तरह से ट्रक के अंदर अपनी लाइफ गुजारते हैं, किस तरह से इतना प्यारा ट्रक सजाया हुआ है, और इश्क की बातें हमने उनसे की। यकीनन आपको पसंद आई होगी और उम्मीद है कि उनकी ज़िंदगी से काफ़ी कुछ आपने सीखा भी होगा। शेरवानी के पाकिस्तान से उसामा खान शेरवानी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।